ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे साईं, हे बाबा, आज आपके आशीर्वाद से श्री साई सचरित्र का अध्याय 18 एवं 19 का अध्ययन होगा। हे प्रभु, हे गुरुवर, सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को इस पाठ का लाभ हो, ये अध्याय उनके चित्त में उतरे। आइए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 18 एवं 19। श्री हिमाड पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी, ब्रह्म ज्ञान हेतु ललायत एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हिमाडपंत ने गत दो अध्यायों में किया है। अब हिमाडपंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें फलीभूत किया तथा आत्मोन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश किए, इनका इन दो अध्यायों में वर्णन किया गया। पूर्व विषय, यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल ना कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित ना करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्रों में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणार्थ बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्त्रोत साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त ना रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ हैं। विषय वासनाओं में आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्प तरु हैं, हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे, एक मानुभाव का नाम श्री साठे था। क्रॉफर्ड के शासनकाल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होकर होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्तिकाल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ
उनसे प्रश्न कर प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष ना रहे हो तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी आए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरुचरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है जो इस प्रकार अचेतनावस्था में पड़े हुए को जागृत कर उन्हें गुरुचरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काकासाहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायणी मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काकासाहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का वास्तविक अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरुचरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वरी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री अमाटपंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरुचरित्र का पारायण कर रहा हूँ जिसका परिणाम अब तक ना निकला। उनका केवल 7 दिनों का श्रीडी निवास सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्षों का यानी 1910 से 1917 सहवास का क्या व्यर्थ हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा घन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षण करे। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाडपंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाडपंत शीघ्र श्यामा के घर पहुँचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाडसन से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए। जब तक मैं पूजन आदि से भी निवृत्त हो जाऊँ तब तक आप कृपा करके पान आदि लें, इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करें। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमाडपंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है।
श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भागवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, कृष्ण और भक्त अर्जुन संवाद, नाथ भागवत श्री कृष्ण उद्धव संवाद और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपर्युक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतया संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री अमाटपंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाडपंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपये के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाडपंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं, जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। इस ईश्वर यानी बाबा की लीला अद्भुत है। कहां मैं एक अशिक्षित देहाती और कहां आप एक विद्वान। यहां आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख ही चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूं। अच्छा, ये 5 सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूं। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर उन दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर यानी बाबा की लीलाएँ अगाध हैं, जिसका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं, इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सके। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। इनकी कार्यप्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि लौकिक नहीं है। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरुचरित्र परायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमाडपंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट ना कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाडपंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खाशाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साई चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय करके अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि देवा, आपने अब ये क्या करना आरंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं,
आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश ना दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त ना होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा, तुम मुझ पर दया करो और कुछ मैं कहूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपने स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ और यदि तुम इसे उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घकाल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र ना फूका। मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं। परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण निष्काम थे तो उन्हें पैसा मांगना क्या शोभनीय था और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता था, इसका उत्तर केवल यह है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी सपन में भी आवश्यकता ना थी। उन 2 पैसों का अर्थ था, पहला दृढ़ निष्ठा और दूसरा धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव ना था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई बिरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। 8वें प्रहर में एक टक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्यपूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान है, खान वह उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा ना रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा ना की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी ना हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुवी प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हो अथवा नदी के उस पार, सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कोई मंत्र कैसे फूकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुवी के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा।
इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरि, हर और ब्रह्म यानी त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी बोल ना सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद को चले। बापू साहेब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाहिनी और तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामयिक गान की ध्वनि की चिंता ना करते हुए हेमाड पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएँ अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है, अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है, उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करोगे, करते रहोगे, तो कुप्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का प्रतिकत्व नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर, ना वह उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से ही लगा कर लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल अपनी माँ का स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुए की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली।
प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहेब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि हे प्रभो, इस प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर के कहा कि इन कथाओं को स्मरण कर नित्य मनन तथा निधि ध्यासन कर तत्वों को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमाड पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथामृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। 19वें अध्याय के अंत में हेमाड पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए जाते हैं। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दुवे अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि त्रसित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंग से सदैव बचते रहे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद यानी द्वैत की दीवार नष्ट कर दो जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव यानी अर्थात मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सर्व कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है, इसीलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाएं तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे, इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं ऐसा विचार कर वे सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया जिससे वे प्रसन्न हुए
और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटीवाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एक नाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता राम। गुरु जागत रामा सोवत रामा, जहां देखे वहीं पूर्ण कामा। गुरु एका जनार्दनी अनुभव नीका, जहां देखे वहां राम सरीखा। यानी भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद कर ने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या यह हेमाडपंत के पिछले दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्त की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोद उपाय बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा ना कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वाले को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्यान्हकाल में जब लेडी बाबा के लैंडी बाग के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्रों में कुछ भी प्रगति ना कर उल्टे पतन के घोर अंधकार। और जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतरीण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें।
दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित ना कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का स्मरण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं स्मरण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भागवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडवा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु से करने को कहा। उनके उपदेश की कोई सीमा ना थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरुर ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जिनमें से एक यहाँ नीचे दिया जाता है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़कर गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ में ना आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने को कहा। सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य कराना ना कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।